पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा राज्य स्तरीय नगर विकास से संबंधित सभा आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री नितिन नवीन शामिल हुए। उसमें भोजपुर की तरफ से भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने आरा नगर की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराया, जिस पर मंत्री नितिन नवीन ने अपने उद्बोधन में आरा नगर के विकास का आश्वासन दिया व आरा में चैम्बर के सदस्य तथा पदाधिकारियों के साथ बैठने का आश्वासन भी दिया। गैर आवासीय भवनों पर बढ़ाए गए टैक्स का जवाब देते हुए मंत्री नितिन नवीन ने आश्वासन दिया कि इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। मैं तो कहूंगा कि एक बार उस विषय को लेकर जो वरिष्ठ लोग हैं, आरा नगर निगम की बात कही गई है, आरा नगर निगम सही में उसका जो शहर है वो पैक हो गया। मैं वहां आता जाता रहता हूँ और उसके आउट और इन पॉइंट बहुत छोटे हो गए, और शहर को जब तक आप उसके आउट स्टेज कम नहीं बनाएंगे तब तक शायद हम आरा नगर निगम को उससे बाहर निकाल नहीं पाएंगे। तो जो पर्पस ये होना चाहिए, विजन ये होना चाहिए कि जब तक शहर का विस्तार करें, और वो तभी संभव है जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या बड़े एरिया को हम थोड़े से आउटस्कर्ट में डेवलप करें, क्योंकि हम जब सब कुछ पटना में ही बसा देंगे तो हम वेंडर को कहेंगे जाके तुम संपर्क पे जाके काम करो तो नहीं करेगा, रेबड़ी वाला पटरी वाला कहेंगे जाके वहां बेचो तो नहीं बेचेगा, यह हकीकत है, उसकी जीविका उससे चलती है। तो हमको ही सोचना पड़ेगा पहले, तब वो सोचेगा। अब हम केवल हटाने की ड्राइव तो चलाते हैं, लेकिन वो अमानवीय भी दिखता है एक लेवल पे, लेकिन दोनों के बीच का रास्ता, ताकि हमारे दुकानदार भाई भी दुकान कर पाए, व्यवसायिक व्यक्ति व्यवसाय कर पाए और जो वेंडर्स है उसकी भी जीविका चल पाए। जहां तक न्यू मार्केट का विषय है और गली रोड का है, दोनों ही विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। गली रोड को लेकर तो हमने थोड़ा रास्ता निकाला भी है, न्यू मार्केट को लेकर मेरे मन में खुद भी एजेंडा है, इसलिए नहीं कि मेरे क्षेत्र का है, मेरे मन में उनको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एलिगेशन के आज की तरफ से अपने टीम पदारे माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन साहब का भोजपुर चैम्बर की तरफ से इस अवसर में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महोदय, ऐसे तो आपका आरा आना जाना लगा रहता है, परंतु आप नगर विकास मंत्री हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत, हमारा जिला हेडक्वार्टर, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग किसी गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ ग्रिल से करते हैं, नाली नहीं है, एक दिन बारिश हो जाए तो मेन रोड बंद हो जाए। उसके साथ ही आज जो पढ़े लिखे युवक तैयार हो रहे हैं वो आराम में रहना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई लाइफ स्टाइल नहीं, ना ही एक अच्छा मार्केट है, ना ही सड़कें हैं, ना ही कोई पार्क है और नेशनल स्तर का कोई होटल व्यवस्था भी नहीं है। तो महोदय, यदि अपनी तरफ से सरकार की तरफ से वहां पहल किया जाए तो हमारे यूथ जो इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, स्वरोजगारी भी है और रोजगार जनरेट भी कर सकते हैं, उन्हें अपने ही क्षेत्र में रुकने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपका एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि अगली बार जब आप आरा विजिट करें तो इस नजरिए से विजिट करें कि हम लोग ग्राहक यहाँ विकसित कर सकते हैं, एक भी पार्किंग हमारे यहाँ नहीं है, मेन मार्केट में हम लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं और रोड जाम रहता है, तो इस पर चिंता देंगे। धन्यवाद।